हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्ट्रीक। आज का वीडियो फर्स्ट इंडियन केपॉप आइडल श्रेया लिंका के बारे में होने वाला है। श्रेया 18 साल की हैं और वो उड़ीसा की रहने वाली हैं। उसे बचपन से ही डांसिंग का शौक़ था और किंडरगार्टन से ही वो डांसिंग करती हैं। श्रेया की फैमिली काफ़ी योगा एंथुसियास्टिक है और इसी वजह से श्रेया भी योगा करती हैं। एंड यू कैन सी श्रेया ने अपनी बॉडी कितनी अच्छी मेंटेन की है। शी इज़ ट्रेंड उड़ीसी डांसर। श्रेया अपने डांसिंग करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड रहती थी और उन्हें केपॉप आइडल बनना का शौक़ था। वो अक्सर अलग अलग ऑडिशंस देती रहती थी। उसका यूट्यूब चैनल भी है जिस ग्रुप में श्रेया का डेब्यू होने वाला है, उसका नाम है ब्लैक स्वान। दरअसल ब्लैक स्वान 5 मेंबर का ग्रुप के तौर पे लॉन्च हुआ था, लेकिन नवंबर 2020 में एक मेंबर ने ग्रुप छोड़ दिया और फिर डीआर म्यूज़िक ने 5th मेंबर के लिए ग्लोबल ऑडिशंस अनाउंस किए। श्रेया को ऑडिशन के बारे में सोशल मीडिया से पता चला था। उन्हें अपना एक वीडियो ऑडिशन के लिए भेजा। उसके टैलेंट की वजह से ही वो नेक्स्ट ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हो गई और सेमीफाइनल भी पहुंच गई। इसके बाद फाइनल्स में पहले श्रेया को कोरिया जाना पड़ा ताकि डीआर म्यूजिक उसे ट्रेन कर सके। 6 महीने तक सेगस के अंडर ट्रेनिंग करने के बाद फाइनल्स में श्रेया एक ब्राज़ीलियन लड़की अबेरियल के साथ थी। इन दोनों ने ट्रेनिंग भी साथ की थी। डीआर म्यूजिक को एक ही मेंबर को चुनना था, बट उन्होंने गैब्रियल और श्रेया दोनों को ब्लैक स्वान के मेंबर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया। श्रेया ब्लैक स्वान की 5th मेंबर होंगी। ये अनाउंसमेंट 26 मई 2020 को हुई। ब्लैक स्वान अपने डिफरेंट नेशनैलिटी वाले मेंबर्स की वजह से काफ़ी चर्चे में रहता है। श्रेया लिंका का स्टेज नेम श्रेया है। आप सोच रहे होंगे श्रेया से पहले भी तो जेड गर्ल्स में इंडियन लड़की प्रिया मजुमदार डेब्यू किया था, तो श्रेया फर्स्ट इंडियन केपॉप आइडल कैसे हुई? तो बता दें, प्रियंका एक केपॉप आइडल नहीं बल्कि जेड पॉप आइडल हैं। उनके ग्रुप में कोई भी मेंबर कोरियन नहीं थे और ना ही जेड गर्ल्स के गाने कोरियन में होते हैं, इनके गाने इंग्लिश में होते हैं। बल्कि वहीं ब्लैक स्वान एक कोरियन पॉप ग्रुप है और वो कोरियन गाने गाते हैं। हाल ही में हमारी इंडियन एक्ट्रेस अनुष्का सेन कोरिया गई हैं फॉर हर अपकमिंग कोरियन प्रोजेक्ट। आई होप अब हमें इंडिया और कोरिया की ऐसी कोलैबोरेशन देखने को मिलती रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शो सम सपोर्ट टू आवर गर्ल श्रेया।